आज बनाएंगे बेसन की बर्फी। इस तरीके से बनाइए, आसानी से बन जाती है और चाशनी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्वाद वही ट्रेडिशनल, बहुत ही अच्छा। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 2 कप बेसन, वजन में 200 ग्राम। छानने से बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और कुछ इम्प्योरिटी हो वो भी निकल जाती है। ये कढ़ाई ले ली फ्लेम ऑन। ये हमने 3/4 कप घी लिया है, 150 ग्राम, लगभग 2-3 टेबल स्पून घी बचा लिया है। देसी घी लिया है बर्फी बनाने के लिए, आप चाहे तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं। और अब इस घी में डालेंगे बेसन और ये 1/4 कप बारीक सूजी, वजन में 50 ग्राम। इससे बर्फी में अच्छा सा दाना आएगा। अब इनको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बेसन भूनने के लिए जो आप कढ़ाई ले रहे हैं वो भारी तले की होनी चाहिए। कढ़ाई भी थोड़ी सी बड़ी हो ताकि आपको बेसन को चलाते समय आसानी हो। फ्लेम को लो मीडियम रखें। अभी बेसन थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये गीला हो जाएगा। इसे भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, फ्लेम लो मीडियम रखी है। बेसन को भूनते समय फ्लेम को लो मीडियम ही रखें, तेज फ्लेम पर इसे बिल्कुल नहीं भूने, क्योंकि अगर आपने बेसन को तेज फ्लेम पर भूना तो ये ऊपर ऊपर से जल्दी से सिक जाता है और अंदर इसके कच्चापन रह जाता है, खाने में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जो बेसन इस स्पैतुला पर आ जाता है उसे भी निकालते रहें, अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा। और इस तरीके से इसकी गुठलियाँ भी तोड़ते रहें, चलाते जाएं, गुठलियाँ तोड़ते जाएं। इसे भूनते भूनते 10 मिनट हो गए हैं। फ्लेम धीमी होती है तो बेसन भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो आपकी मिठाई बनती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है और खुशबू भी आने लगी है, लेकिन अभी थोड़ा सा और भूनना है इसे, इस पर गोल्डन कलर आना चाहिए। और इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, थोड़ा सा ड्राई है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और डाल देते हैं। सारा घी एक साथ नहीं डालते, क्योंकि घी अगर ज़्यादा हो जाए तो बर्फी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब देखिए, 1 टेबल स्पून घी डाल लिया, ये बेसन एकदम से गीला हो गया। बस ऐसा ही चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसे भूनना और है। इसे लगभग 20 मिनट भून लिया और देखिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। और जब आप भून रहे हैं तो जहाँ भी बेसन इकट्ठा होता है वहाँ घी ऊपर ऊपर आने लगता है। बेसन भून चुका है और खुशबू से तो किचन एकदम से भर गई है। अभी फ्लेम को एकदम धीमा कर देते हैं और इसमें डाल दीजिए शुगर पाउडर, 1 कप शुगर पाउडर, 170 ग्राम। चीनी आप अपनी पसंद से 125 ग्राम से लेके इसमें आप 250 ग्राम तक चीनी डाल सकते हैं। मिलाते हुए एकदम धीमी गैस पर इसे कुक करेंगे और बढ़िया से फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। 6 इलायची को कूट कर ले लिया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें, वही लो मीडियम पर इसे कुक कीजिए और थोड़ी देर इसे इसी तरीके से चलाते हुए कुक करें, जब तक कि ये थोड़ी सी गीली ना होने लगे। और बर्फी के लिए ये मिक्स अब एकदम तैयार हो गया। इसे जमाते हैं, फ्लेम बंद। जिस प्लेट में आप बर्फी जमा रहे हैं उसमें थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस कर लीजिए और अब इस मिक्स को इस प्लेट में डाल दीजिए और एक जैसा कर दीजिए। हलवाई लोग तो बेसन की बर्फी में थोड़ा सा येलो कलर डालते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो कलर की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून दूध में केसर भिगो और जब बेसन भुन जाए चीनी से पहले वो डालकर मिला दो। और अब इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी बादाम कतरन, इससे ये बहुत सुंदर लगेगी, थोड़ा सा क्रंच भी इसमें आ जाएगा। चम्मच से थोड़ा सा इन्हें दबा दीजिए ताकि ये बर्फी के अंदर फिक्स हो जाए। अब इसे जमने के लिए ठंडी जगह पर रख दीजिए। हमने 3/4 कप घी लिया था, इसमें से 2 टेबल स्पून घी बच गया है। बर्फी जमकर तैयार हो गई है। इसे पहले हमने ठंडा किया और बाद में 1 घंटे फ्रिज में रख कर ले लिया है। काट लेते हैं इसे। इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं नीचे से, तो बिल्कुल 10-12 सेकंड, ताकि ये जो घी है जमा हुआ नीचे की तरफ वो मेल्ट हो जाए। पीसेस को अलग कर लेते हैं। सारे पीसेज हमने काट कर तैयार कर लिए।
बेसन की बर्फी बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बनाने का तरीका आपने देखा कितनी जल्दी से बन गई है। आपको कोई खास ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जब आप बेसन को भूनें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें। बहुत ही अच्छा बेसन भूनकर तैयार होगा और बर्फी का बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। तो आप ये बर्फी ज़रूर बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसी बनी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।